So students, today I am going to cover very important question of chapter continuity and differentiability. अच्छे से समझना आज का question. So आपकी screen पे question लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझना. पहले question को अच्छे से read कर ले. So हमारे पास इस question में k की value निकालनी है और वो बोला आपको ये function continuous at x is equal to 0. तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? आपको बोला है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है एट x is equal to 0, तो आप कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, मस्ट बी इक्वल टू f एट 0. f ऑफ 0 तो सीधा दिया हुआ है k, ये रहा. क्योंकि आपको उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बोला हुआ है? जीरो पे, मतलब जीरो प्लस लिमिट वाली और जीरो माइनस लिमिट दोनों इक्वल होंगी, तीनों चीजें ही आपस में इक्वल होंगी तभी कॉन्टिन्यूअस होगा. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सो आपको यहाँ पे सीधा पहले दिया है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि मतलब जीरो प्लस भी यही है, जीरो माइनस भी यही है, मतलब ये दोनों सांझी वैल्यूज ही है. Not equal to zero बोला हुआ, मतलब zero plus मतलब zero से थोड़ा बड़ा और zero से थोड़ा छोटा, mean zero minus. अब मैंने इसको सीधा ही लिख दिया limit x approaches to zero, सभी को सांझा ही लिख दिया fx. अब मेरे पास इस fx की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? साइन 5x अपॉन 3x, मैंने ये लिख दिया. अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू जीरो इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि अगर x नीचे जीरो डालूंगा, थ्री मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. आप सभी फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू वन. आप सभी ने फॉर्मूला करा हुआ, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू वन. तो मेरे को यहाँ पे ये चीज करने के लिए मैंने क्या करा, साइन 5x अपॉन 5x करा. अब मेरा अपना बस तो है नहीं 5x अपॉन 5x, अपने भी कर दूं, तो मैंने यहाँ पे 5x के साथ डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 5x को ऊपर न्यूमिरेटर में लिखा ताकि एक तरह से इफेक्ट खत्म हो जाए. होल डिवाइडेड बाय ये वाला 3x. तो अब आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा 1 है, तो मतलब साइन 5x अपॉन 5x किसके इक्वल हो गया? 1 के. साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1, तो साइन 5x अपॉन 5x 1. मेरे पास बचा क्या? इंटू 1 इंटू 5x अपॉन 3x. x के साथ x कट गया, मेरे पास बच गया 5 अपॉन 3. फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब आपको पता है कि ये चीज इस चीज के बराबर होगी. ये चीजों का क्या आया है मेरे पास? वैल्यू 5/3, और ये चीज किसके इक्वल थी? k, मतलब k आ गया 5/3 के. ये क्वेश्चन खत्म हो गया. दैट्स इट.